अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये फोर क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड ए क्यूब इफ ए इज इक्वल टू दिस, मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने उस मैट्रिक्स का क्यूब फाइंड आउट करना है। अब किसी भी मैट्रिक्स का डायरेक्ट क्यूब तो हम नहीं फाइंड कर सकते, पहले हम उसका स्क्वेयर फाइंड करेंगे और स्क्वेयर फाइंड कर लेने के बाद हम उसका उसको फिर ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब बना दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का स्क्वेयर फाइंड करते हैं। जी ए स्क्वेयर से मुराद ये होता है कि ए को आपने ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में 1, 1 और 3 है, सेकंड रो में 5, 2 और 6 है, उसके बाद थर्ड रो के अंदर -2, -1 और -3। सिमिलरली अगेन ए की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1, 1, 3, 5, 2, 6, -2, -1 और -3। जी अब हम दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसकी रोज को हमने सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इसमें करेंगे ये जो सेकंड एलिमेंट है 1, इसको इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड एलिमेंट जो 3 है इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 आ जाए। ये हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसी तरह पहली रो के तमाम एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका वही है कि ये जो 1 है इसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, फिर हम सेकंड एलिमेंट जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, इसी तरह 3 को हम इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -3 आ जाता है। सिमिलरली फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बनेगा, फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, उसके बाद 3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -9 आ जाता है। लो जी, हमने फर्स्ट रो को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अब हम सेकंड रो को ले लेते हैं 5, 2 और 6, तो बारी बारी इनको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 को हम फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा, उसके बाद ये 2 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 6 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 आएगा। सिमिलरली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 बनेगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बनेगा। सिमिलरली सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 बनेगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 आएगा, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करके -18 बन जाएगा। जी सेकंड रॉ को भी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब आप थर्ड रॉ को सेकंड रॉ मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड रॉ को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करते हैं। जी ये जो -2 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और फिर आप इसको -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -5 बनेगा, फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। सिमिलरली -2 को मतलब थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 बनेगा, -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा, फिर हम -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। जी अब सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई कि -2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर -1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना था, सेकेंड एलिमेंट जो है वो भी 2 है तो 2 आएगा यहाँ पे, फिर -3 को माइनस वो ठीक है +3 है। अब थर्ड रॉ को हमने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -2 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 बनेगा, -1 6 से मल्टीप्लाई होकर -6 आएगा, और इसी तरह -3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 9 बन जाएगा।
जी इसको सिंपलीफाई करके राइट कर लें, ए स्क्वेयर अभी हमने फाइंड किया है, तो ए स्क्वेयर जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, फर्स्ट एंट्री 1 + 5 6 होगा, 6 - 6 जो है ये 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में 1 + 2 जो है ये 3 बन जाएगा, 3 - 3 तो सेकंड एंट्री भी 0 आएगी। इसी तरह थर्ड एंट्री 3 + 6 ये भी 9 होगा, तो 9 - 9 0 बन जाएगा। सेकंड रो में देखें 5 + 10 15 होगा, उसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, और 5 + 4 9 होगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे ये भी 3 आ जाएगा, और इसी तरह आगे आपके पास है 12, ये 27 होगा, इसमें से 18 माइनस कर दें तो ये आपके पास 9 आ जाता है। जी इसी तरह थर्ड रो में -2 और -5 -7 होगा, तो 6 इसमें प्लस करके इसको -1 राइट करेंगे। सिमिलरली इससे अगला जो एलिमेंट है -2 और -2 -4 बनेगा, 3 प्लस करके इसको भी -1 लिखेंगे, और लास्ट एलिमेंट जो है -6 और -6 ये -12 हो गया, उसमें 9 ऐड करके उसको -3 राइट कर दे। लो जी ये आपके पास ए स्क्वेयर मैट्रिक्स आ गया। हमने फाइंड करना था ए क्यूब, तो ए क्यूब को आप राइट कर सकते हैं ए इंटू ए स्क्वेयर, इनमें भी हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है जी 1 1 और 3, फिर 5 2 और 6, फिर -2 -1 और -3। ए स्क्वेयर भी हम इसमें पुट कर देते हैं 0 0 और 0, फिर 3 3 और 9, और थर्ड रो में -1 -1 और -3। जी ए क्यूब को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हम राइट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लें इसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये जो 1 है फर्स्ट रो का, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 - 1 से मल्टीप्लाई होकर -3 बन जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3, 3 - 1 से मल्टीप्लाई होकर -3। जी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 9 से मल्टीप्लाई होकर 9, 3 - 3 से मल्टीप्लाई होकर -9। सिमिलरली सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा, 6 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -6 आएगा। जी इसी तरह सेकंड कॉलम से करें तो 5 0 से 0, 2 3 से 6, और 6 - 1 से -6। थर्ड कॉलम से 5 0 से 0, 2 9 से मल्टीप्लाई होकर 18, और 6 - 3 से मल्टीप्लाई होकर -18। थर्ड कॉलम को थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3, और सिमिलरली सेकंड कॉलम से करते हैं -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -1 3 से मल्टीप्लाई होगा, और -3 - 1 से मल्टीप्लाई होकर +3 आएगा। सिमिलरली थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, -1 जो है 9 से मल्टीप्लाई होकर 9 बनेगा, -3 और -3 जो है ये +9 आ जाएगा। तो अब देखें हर एक रो में जब किसी भी एंट्री को सिंपलीफाई करेंगे तो वो हमें 0 आंसर देगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री को अगर आप देखें तो वो 3 - 3 0, सेकंड भी 3 - 3 0, थर्ड में 9 - 9 0, फोर्थ एंट्री जो है 6 - 6 0, फिर 6 - 6 0, फिर 18 - 18 0, फिर -3 और +3 0, फिर -3 और 3 0, -9 और 9 0। तो ए क्यूब जो है ये आपके पास एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ, फर्स्ट पार्ट है कि एक्स एक्स जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, और राइट साइड पे भी आपके पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस तरह के जो क्वेश्चन है तो सॉल्व करने दो तरीके, एक तो आप इस मैट्रिक्स को राइट साइड पे ले जाकर मत करते, वो मतलब ये हम नहीं करते। ये जो एक्स है ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? देखें ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है जिसका ऑर्डर है 2 by 2, और रिजल्ट भी हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका रिजल्ट है 2 by 2। देखें यहाँ पर जिस मैट्रिक्स के साथ आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं
मतलब एक्स है, उसमें जो कॉलम्स है ना वो इसकी रोज के बराबर होने चाहिए, उनकी तादाद जो है इसकी रोज के बराबर हो ताकि हम उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसमें जो रोज की तादाद है वो आपके पास 2 है, तो फर्स्ट में कॉलम 2 होने चाहिए। अब यहाँ पर रोज कितनी हो, देखिए रिजल्ट आपके पास आता है 2 बाई 2। ये मैंने आपको बताया था कि बीच वाले कैंसिल हो जाते हैं और ये जो फर्स्ट और लास्ट होता है ये ऑर्डर बन जाता है रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स में रोज की तादाद 2 है, यहाँ पर भी आपके पास ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो अब इसको गौर से देखें तो ये वाला जो ऑर्डर है मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 होना चाहिए। तो ये हम अपनी तरफ से एक्सपोज कर लेते हैं इसको, ये इसको हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है ये 2 बाई 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं जी, लेट फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। एक्स इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, ए बी और सी डी। इसको हम इस गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। अब जो गिवन इक्वेशन है इसमें ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी सी और डी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 5 2 और -2 और 1 इज इक्वल टू -1 5 12 और 13। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करा दें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो ये आपके पास न्यू मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जी, ए 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 ए बनेगा, बी -2 से मल्टीप्लाई होकर -2 भी बन जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को जब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा ए 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ए बन जाएगा और बी 1 से मल्टीप्लाई होकर ये बी आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 सी -2 डी आएगा और इसी तरह सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सी + डी आ जाएगा जी। राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है आपके पास -1 है, 5 और 12 और 3। अब दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी। तो फर्स्ट मैट्रिक की जो फर्स्ट एंट्री है 5a - 2b दिस मस्ट बी इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पर हम राइट करेंगे बाय बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। जी फर्स्ट आपके पास आएगा 5a - 2b इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो सेकेंड एलिमेंट है 2a + b इसको सेकेंड एलिमेंट 5 के इक्वल होना पड़ेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 5। लेट्स दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड एलिमेंट है 5c - 2d दिस मस्ट बी इक्वल टू थर्ड एलिमेंट 12 ऑन राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली लास्ट आपके पास जो एंट्री है 2c + d दिस मस्ट बी इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लो जी इन इक्वेशंस को अब आपस में सॉल्व करके ए बी सी और डी फाइंड करते हैं और वो जो स्टार्ट में हमने एक्सपोज किया था उसमें पुट करेंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ जाएगा। अच्छा अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में वेरिएबल्स हैं ए और बी, सेकंड में भी वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो इन दोनों को हमने आपस में सॉल्व करना है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप सेकंड इक्वेशन में से बी निकाल लें, बी का कोफिशिएंट 1 है तो फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कि इक्वेशन नंबर 2 से आपके पास बी जो है 2a को दूसरी साइड पे ले जाए राइट हैंड साइड पे तो 5 - 2a बन जाएगा। इसको आप फिलहाल इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें और ये जो b की वैल्यू आपने निकाली इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। जी फर्स्ट इक्वेशन में 5a आगे -2 और b की वैल्यू पुट कर देते हैं 5
माइनस टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव वन। ये सिंप्लीफाई करें इसको, फाइव ए माइनस टेन होगा, टू मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, टू टू इज द फोर ए इज इक्वल टू नेगेटिव वन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, फाइव ए और ये फोर ए, तो ये आपके पास नाइन ए बन जाएगा, और टेन को आप राइट हैंड साइड पे ले जाए, नेगेटिव वन प्लस टेन, तो नाइन ए इज इक्वल टू नाइन, ये नाइन इस तरफ डिवाइड होगा तो ए की वैल्यू वन निकल आएगी। ये जो ए की वैल्यू वन फाइंड आउट की है, इसको इक्वेशन नंबर फाइव में पुट करके वहां से आप बी निकाल लें, पुट ए इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फाइव, तो बी आपके पास आ जाएगा फाइव माइनस टू और ए की वैल्यू वन, टू वन से मल्टीप्लाई होके टू बनेगा, तो फाइव में से टू माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू थ्री। रोजी आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली हम इक्वेशन थ्री और फोर को सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक आप फोर्थ इक्वेशन में से डी निकाल लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर। जी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टू सी राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर सिक्स का नाम दे देते हैं। जी पुट वैल्यू ऑफ डी इन, इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थ्री। जी जो इक्वेशन नंबर थ्री है, फाइव सी माइनस टू और डी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है थ्री माइनस टू सी इज इक्वल टू ट्वेल्व आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि फाइव सी माइनस टू मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स माइनस माइनस टू टू इज द फोर सी इज इक्वल टू ट्वेल्व। फाइव सी और फोर सी ये भी आपके पास नाइन सी आ जाएगा, और जो सिक्स है वो राइट साइड पे प्लस होगा तो 9c इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। c की वैल्यू फाइंड करते हैं, जी 9 उस तरफ डिवाइड होगा तो 18 डिवाइडेड बाय 9, तो c की वैल्यू 2 निकल आए। जी अब ये c की वैल्यू आप पुट कर दें, पुट c इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में 6 में, ताकि वहां से आप d फाइंड आउट कर सकें, तो d इज इक्वल टू 3 और 2 और c की वैल्यू 2, 2 2 इज द 4, 3 माइनस 4 कितना होगा, D इज इक्वल टू नेगेटिव वन निकल आएगा। लो जी ये फोर वैल्यूज आपकी कंप्लीट हो गई। लास्ट पे आप अगेन x का आंसर लिखेंगे, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, वन है, b की वैल्यू थ्री है और c की वैल्यू टू है और d की वैल्यू नेगेटिव वन है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स x निकल आया। इसका ये जो सेकेंड पार्ट है ये आप खुद कर लेंगे, बस इसमें केयरफुल रहिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये पहले आएगा और जो x आप सपोज करेंगे वो आप बाद में लिखेंगे। जैसे ये आपने ए बी सी डी पहले मैट्रिक्स राइट किया है, तो सेकंड इक्वेशन में एक्स जो है ये पहले नहीं है, ये बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आप उसको बाद में लिखेंगे। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी तो वो ये मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, वो एक्स की वैल्यू बाद में, तो ये सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करें। जी नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ये ऑर्डर है 3 by 2, 3 रोज है, 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर जो इसके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अब फर्स्ट के जितने कॉलम्स होते हैं सेकेंड के उतने ही रोज होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 आ गया, लेकिन कॉलम्स कितने होंगे ये हमें राइट साइड से पता चलेगा। इसका आप ऑर्डर लिखेंगे तो वो भी 3 by 2 है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये 2 तो इस 2 से कैंसिल हो जाता है, और ऑर्डर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो इसको और इसको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर पहला तो 3 आया हुआ है और लास्ट जो ये 2 है, इसलिए आप यहाँ पर भी 2 ही राइट करेंगे, तो टोटल ऑर्डर मैट्रिक्स ए का बन गया 2 by 2। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से आप ये देखते हैं कि ए का ऑर्डर कितना बनता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर जब सपोज करते हैं तो लेट्स A इज इक्वल टू, इसी तरह से हमने सपोज कर लिया कि A, B, C और D है। ये वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। जी 5, नेगेटिव 1, 0, 0, 3 और 1। मैट्रिक्स A की वैल्यू पुट करते हैं, जी A, B, C और D इज इक्वल टू 3, नेगेटिव 7 और 0 और फिर 0, 7 और 2। लो जी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें,
फर्स्ट जो एंट्री है, फर्स्ट जो रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 5A, जी 5A, और नेगेटिव C आएगा फर्स्ट कॉलम से। फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5B और नेगेटिव D आ जाएगा। फिर हम जीरो को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो होगा, फिर जीरो को C से करेंगे ये भी जीरो होगा, जीरो को B से करेंगे तो जीरो होगा, जीरो को D से करेंगे ये भी जीरो होगा। फिर हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 3A और 1 मल्टीप्लाई होगा C के साथ, सिमिलरली 3B और 1 मल्टीप्लाई होगा D के साथ। 3 माइनस 7, 0 0 और 7 और 2। जी अब उसी तरीके से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ से भी 4 इक्वेशंस आपके पास आएंगी। 5A माइनस C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर 5B और -D जो है दिस इज इक्वल टू -7 आएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है। फिर 3A प्लस C इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 है। और लास्ट आपके पास आएगा 3B और प्लस इसमें कर रहे हैं D, और दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। लो जी बारी बारी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा आप देखें फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं A और C, तो इसको आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। फर्स्ट इक्वेशन में नेगेटिव C है और थर्ड इक्वेशन में पॉजिटिव C, तो सिंपली आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ये फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 5A माइनस C इज इक्वल टू 3। इसमें हम ऐड करने वाले थर्ड इक्वेशन दैट इज 3A प्लस C इज इक्वल टू 7। वो जो पिछला मेथड आपने यूज किया था, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करके, इसको वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ये उसकी निस्बत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 5A और 3A, ये 8A आ जाएगा, C को C से कैंसिल कर दें, राइट साइड पे 3 और 7 ऐड होकर 10 आ जाएगा। जी 8 को हम उस तरफ डिवाइड करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ से A की वैल्यू निकल आएगी 5 डिवाइडेड बाय 4। जी ये जो वैल्यू है ए की, ये आप फर्स्ट इक्वेशन में या थर्ड में इसको पुट कर देते हैं जिसमें सी मौजूद होगा, तो फर्स्ट में भी और थर्ड में भी पुट वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड में मैं पुट कर रहा हूँ तो 3A, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 5/4 और प्लस सी है इक्वल टू 7 है। जी यहां से 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी इज इक्वल टू 7, ये 15 डिवाइडेड बाय 4 राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे 7 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 7 से मल्टीप्लाई होगा 28 बनेगा -15। ये आपके पास आ जाएगा 1 और 13 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज वैल्यू ऑफ सी। सिमिलरली अगर आप ए और सी निकल आए, बी और डी निकालना चाहते हैं तो इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व कर ले, उसमें भी डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव है तो उन दोनों को भी हम ऐड कर देते हैं, तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। जी इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, 5B माइनस D इज इक्वल टू -7, और फोर्थ कौन सी है, 3B प्लस D इज इक्वल टू 2। ये 5B और 3B, 8B आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और राइट हैंड साइड पे -5 आ जाएगा, तो यहाँ से 8 जो है वो राइट साइड पे जाकर डिवाइड होगा जिससे हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, तो B इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अब ये B की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 5 इसमें 2 में या 4 में, 4 में मैं इसको पुट करता हूँ, पुट B इज इक्वल टू -5 बाय 8 इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 बन जाएगी 3 और B की वैल्यू हम पुट करेंगे -5 बाय 8 और प्लस इसमें D है इज इक्वल टू 2 है, ये 3 5 से मल्टीप्लाई होकर -15 बनेगा, इसको हम राइट हैंड साइड पर लिखेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा उस तरफ 15 डिवाइडेड बाय 8, तो D की कीमत निकलेगी
एट इसका एलसीएम आएगा, एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा, एट एट से कैंसिल होगा तो 15 आएगा। लो जी, डी की वैल्यू निकल आई 31 डिवाइडेड बाय 8। ये फोर वैल्यूज आपके पास पूरी हो गई, इसीलिए अब आपके पास ए मैट्रिक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो ए की वैल्यू है 5/4 और फिर उसके बाद बी की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय 8, सी की वैल्यू है 13 डिवाइडेड बाय 4 और डी की वैल्यू है 31 डिवाइडेड बाय 8। ये आपके पास मैट्रिक्स ए निकल आया। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उसमें ए का ऑर्डर कितना लेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्व इसको आप खुद कर लेंगे। अच्छा इधर ही कर लेते हैं, जैसे देखिए, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 दिया हुआ है। अब इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है, इसलिए जो आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें रोज को आप 2 रखेंगे और यहाँ पे कॉलम्स आप राइट साइड से देखेंगे, राइट साइड पे आपके पास है 2/3, ठीक है। तो इसमें कॉलम्स जो है वो 3 है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, इसलिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बना 2/3। तो जब आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप ए को सपोज कर लेंगे कि ए इज इक्वल टू 2 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो ए बी सी डी ई और एफ, बस ये चीज आपने माइंड में रखनी है और इसको सॉल्व करना। जी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 है। इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और राइट साइड पे आपने प्रूफ करना है R(I)3। अब I3 आपको याद होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कहते थे I3, तो I3 से मुराद 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे राइट करते हैं 100 010 00 और 1, तो ये I3 होता है। जी इसको हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं हम। जी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आर कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होकर आर कॉस स्केयर फाइव आ जाएगा। फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा। फिर हम माइनस साइन फाइव को माइनस आर साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा आर साइन स्केयर फाइव। इसी तरह इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर कॉस फाइव जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो बन जाएगा। जीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर आप माइनस साइन फाइव को जीरो से करेंगे तो ये भी जीरो आ जाएगा। लास्ट एंट्री देखें, आर कॉस फाइव साइन फाइव से मल्टीप्लाई होगा, आर कॉस फाइव मल्टीप्लाई होगा साइन फाइव के साथ। फिर क्या करेंगे, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा। माइनस साइन फाइव को आर साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये माइनस साइन फाइव इधर, आई थिंक यहाँ पे कॉस फाइव है, ये मिस्टेकनली साइन लिखा गया, इधर कॉस फाइव आता है। तो आर साइन फाइव को जब आप कॉस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर साइन फाइव और कॉस फाइव बन जाएगा, इधर कॉस फाइव आता है, ये मिस्टेकनली साइन फाइव लिखा गया। अच्छा नेक्स्ट हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होकर जीरो होगा, आर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो होगा, फिर जीरो जो नेगेटिव आर साइन फाइव से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा। फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, आर वन से मल्टीप्लाई हुआ, फिर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम इसको लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो साइन फाइव से मल्टीप्लाई होगा, आर जीरो से मल्टीप्लाई होगा और जीरो जो है वो आर कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होगा, वो भी जीरो आ जाएगा। जी थर्ड रो की बारी आ गई, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आर साइन फाइव और कॉस फाइव, फिर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कॉस को नेगेटिव आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा आर साइन फाइव और कॉस फाइव। इसी तरह जब हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन फाइव जीरो से मल्टीप्लाई हुआ, जीरो वन से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस फाइव जीरो से मल्टीप्लाई हो गया। लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आर साइन स्केयर फाइव बन जाएगा, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा और कॉस फाइव जो आर कॉस फाइव से मल्टीप्लाई होकर आर कॉस स्केयर फाइव बन जाएगा। जी इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई।
जो फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट में से आर कॉमन ले लें, बाकी बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये सेकंड एंट्री तो जीरो बन जाएगी। लास्ट एंट्री में देखें, ये आर कॉस फाई साइन फाई पॉजिटिव है और ये आर कॉस फाई साइन फाई नेगेटिव है, तो लास्ट भी जीरो हो गई, ये भी जीरो होगा और दरमियान में आपके पास आर आ जाएगा और लास्ट वाला भी जीरो बन जाएगा। ये भी इसी तरह आर साइन फाई कॉस फाई पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कैंसिल होकर ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो है। और इसमें आप उसी तरह से आर कॉमन लेकर साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई ऐसे लिखेंगे। अब आपने 10th क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई ये ऑलवेज इक्वल टू वन होता है, तो इसीलिए अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे आप कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो गया तो सिर्फ आर आ जाएगा, बाकी सारे जीरोस, जीरो आर जीरो 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 और लास्ट भी आपके पास वन होकर आर बन जाएगा। अब इसमें से अगर आप आर को कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी आपके पास यहाँ पे वन जीरो 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 वन जीरो 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 और वन, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसको आप लिख सकते हैं आर आई थ्री, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये खत्म हो गई, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।